धनबाद जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर बिजली विभाग तत्पर है और लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुविधाओं में विस्तार और रेवेन्यू को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को विद्युत महाप्रबंधक हरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के कार्यपालक अभियंता सहित सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और रेवेन्यू के लक्ष्य को पूरा करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। पूरे मामले पर मिरर मीडिया से मुखातिब होते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि रेवेन्यू सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुविधाओं का विस्तार भी किए जाएंगे। मौसम खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही त्यौहार में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके मद्देनजर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने सहित अन्य सभी नियमों का पालन हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने अंडरग्राउंड केबल द्वारा सड़कों की हालत खराब करने के मुद्दे पर कहा कि कंपनी के ठेकेदार को सभी सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गैस बिछाने वाली कंपनी के द्वारा सड़कों की हालत ज्यादा खराब की गई है। यहां तक कि विद्युत विभाग को भी गैस पाइपलाइन कंपनी द्वारा क्षति हुई है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुई तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मीटिंग जो है मुख्यतः रेवेन्यू को लेकर बुलाया गया था और ये मीटिंग धनबाद सर्कल का था और धनबाद सर्कल के अंतर्गत 4 डिवीज़न आते हैं, जिसमें धनबाद है, गोविंदपुर है, झड़िया है और मिर्सा है। ये चारों जगह के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए हुए थे, वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर भी आए हुए थे, जेई भी आए हुए थे। हमने उन सारे लोगों से रेवेन्यू की समीक्षा की कि विगत महीने में उन लोगों के द्वारा क्या क्या काम किया गया, कितना लाइन काटा गया, कितना पैसा वसूला गया, कितने बकायेदारों से के ऊपर सर्टिफिकेट केस फाइल किया गया, इन सब चीज़ों की समीक्षा की गई, कितना पेंडिंग एप्लीकेशन है, लाइन की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों पे गहन समीक्षा की गई। लगातार 3 महीने से आप मीटिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू को लेकर ज़्यादा मीटिंग हो रही है, बाहर की टीम भी आई, क्या बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि जब से मैं आया हूँ तब से लगभग 3 करोड़ के आसपास रुपया अभी तक तो बढ़ा है, 3 करोड़ का। सुविधाओं में कितना विस्तार हुआ? सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। सुविधाओं में जैसे अभी हमारा जो बहुत सारा काम जो पेंडिंग था, जैसे अंडरग्राउंड का काम जो चल रहा था पहले से, उस काम में भी तेजी आया है। तो आखिर ये सब काम अगर पूरा हो जाता है, जिसका हम लोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि धनबाद दिसंबर तक शहर का जितना अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि कितना दावा करते हैं आप? अभी तो मेरा अगर डीवीसी मेन अभी जो है 3 से 4 घंटा आमतौर पर कटौती की जा रही है सामान्यतः। अगर 3 से 4 घंटा अगर डीवीसी का अगर हटा दें तो हम मानते हैं कि 20 से 21 घंटा अगर बिजली अगर डीवीसी से मिलती है तो निश्चित से हम 20 घंटा तो मैं बिजली दे रहा हूं शहर को। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ इलाकों को छोड़कर शहर में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह बाधित है, ग्रामीण इलाकों पर भी स्थिति यही है। अभी हाल ही में गोविंदपुर इलाके में कल की बात है, वहाँ ग्रामीणों ने हल्ला नाम मानता हूँ। इधर पिछले दिनों जो था कुछ मौसम खराबी की वजह से भी और बहुत सारा पेयर वगैरह जो थे हमारे लाइन पे टूट कर गिर गए थे, जिसके वजह से भी तार भी टूटा है, पोल भी टूटा है, इन सब कारणों से भी बिजली बाधित हुई है। लेकिन सामान्यतः बिजली ठीक है। अभी अगर ये छोड़ दें, मौसम खराब वाली ये स्थिति छोड़ दें तो मैं ठीक। मौसम की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तो फर्स्ट फेज में जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम जो कर रहे हैं उसी का एक कड़ी है कि भाई खराब मौसम में भी बिजली कम से कम शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाइन आबादित रूप से बनी रहे। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में उसके लिए भी काम चल रहा है। आम लोगों को शहर में आपके अंडरग्राउंड केबलिंग करने वाली कंपनी शहर का हालत खराब कर दिया, जगह जगह गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए हैं, खंभे निकल गए हैं लगातार। नहीं, ऐसी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी, आप लोग के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी। मैंने भी अपने स्तर से इसकी जाँच करवाई। ये भी सही है कि कुछ जगहों पर हमारे लोगों के द्वारा भी काम करने के दौरान में कुछ गड्ढे खोद कर छोड़े गए, जिसका कि ये लोग अभी काम पूरा चुकी हुआ नहीं है इसलिए वो कंप्लीट नहीं किया गया है। काम पूरा जैसे ही हो जाएगा वैसे वो सारे लोग, जैसे गड्ढा था वो सब सही हो जाएगा।
लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे काम के साथ साथ जियो का भी काम चल रहा है, गेल का भी काम चल रहा है, उन लोग के द्वारा भी रोड की खुदाई की गई है। तो सिर्फ ये बोलना कि हमारे विभाग के द्वारा ही ऐसा मैंने रोड की खुदाई की गई जो गलत होगा। सभी लोग नहीं, सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं भाई। सभी लोग खुदाई कर रहे हैं लेकिन अपने काम शहर लोगों को सुविधा प्रदान के लिए ही कर रहे हैं। ये दिसंबर तक का मैं लक्ष्य रखा हूँ। दिसंबर तक एजेंसी के द्वारा बताया गया कि दिसंबर तक हर हालत में उनको कंप्लीट करने का निर्देश भी दिया गया। टास्क दिया गया है कि जो हम लोगों ने विगत महीने में जो कमियां रह गई है उसको इस महीने में हर हालत में कंप्लीट कर लेना है। प्लस इस महीने में तो और है, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा का समय है जो महत्वपूर्ण ही समय है। मैं अपने लोगों को मैंने दिया इंस्ट्रक्शन कि पूजा के पहले जहाँ भी आपका जो एलटी लाइन है उसको चुस्त एंड दुरुस्त कर लें, सेपरेटर वगैरह लगा लें और ताकि कि पूजा के दौरान जो है हम लोग आबादी रूप से विद्युत आपूर्ति बाहर रख सकें।